Hi, guys, can you hear me, see me? Am I audible and visible? Arey, thank you so much, Saikar. Thank you so much. Chalo. So if you are not able to see me, refresh, please. Just once refresh. Theek Good evening, everyone. Yeah, बिल्कुल यार कंटिन्यू फ्रॉम हेयर दिस दीज आर क्लासेज विच आर इंडिपेंडेंट दिस इज टूडेज न्यूज पेपर टूडेज लेट नाइट न्यूज पेपर एनालिसिस क्लास वी विल डिस्कस द हिंदू पेपर डेली एट 11। रोज रात को हम लोग 11 PM पे मिलते हैं और डिस्कस करते हैं हिंदू पेपर को। नमस्कार अंकिता, हाउ आर यू? नाउ दिस इज अ यू नो दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। आई बीन टीचिंग ऑन दी अन अकेडमी प्लेटफॉर्म्स इन द लास्ट 4.5 ईयर्स। राइट, डन माई बीटेक फ्रॉम IIT पटना एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अकेडमी फॉर गेटिंग ऑल दी डिफरेंट कोर्सेज एंड क्लासेज दैट आई टीच। हर्षित, डो नॉट वरी, दीज आर क्लासेज ऑफ यू नो जो मैं पिछले 15 महीने से ले रहा हूँ। डेली एट 11 o'clock वी डिस्कस द पेपर, ठीक है ना? आई एम गुड अंकिता, थैंक यू सो मच। नाउ ओनली 6 months आर रिमेनिंग फॉर द UPSC 2021, क्योंकि 27 जून को एग्जाम है आपका। अगर आप चाहते हो पूरा पूरा कोर्स कंप्लीट करना तो आप लोगों के लिए बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफ 2020 वी हैव ब्रॉट इन, दैट इज दी डिस्कॉम्बो ऑफर। राइट, आपका कॉम्बो ऑफर जिसमें हम लोग UPSC CSE GS प्लस ऑप्शनल का प्लस को हमने कंबाइन कर दिया है। यू कैन यूज माई रेफरल कोड VCSIR फॉर दी 10% डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन। ऑलराइट, ग्रेट सोनी ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, अमेजिंग। सो गाइस, कितने लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं क्लास को? ओह ग्रेट, ऑसम। सो कहाँ कहाँ से आप लोग? वाकिफ तो पुराने हैं, वाकिफ से हम बहुत वाकिफ हैं, वाकिफ और दिव्यांशु से हम बहुत वाकिफ हैं। ऑलराइट, सो हर्षित फ्रॉम उत्तराखंड, अरे वाह, मैं भी वहीं से। नहीं, आई एम ऑल्सो बॉर्न फ्रॉम नैनीताल, वॉज बॉर्न इन नैनीताल। चलिए, इनविजिबल बॉटल, यस आप देख सकते हैं मेरी शक्ल गायब हो गई, माई शक्ल इज गॉन गाइज। चलिए, जोक्स अपार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ठीक है, सो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहता है तो आप मेरा डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर सकते हैं VCSIR। एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन के ऊपर दिस विल वर्क, VC सर और VCSIR कोड विल वर्क ऑन एनी ऑफ दीज। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। 23 दिसंबर से स्टार्ट करते हैं। ओह माय वेरी माय बेस्ट फ्रेंड इस काइंड ऑफ यू नो चलो 2020 वाला जो जो चल रहा है वो सीन उनको भी लगता है, लग चुका है। चलो ठीक है, गुड गुड गुड। सो 23 दिसंबर से का आर्टिकल देखते हैं। तो आज तो पहला आर्टिकल यार ये था, 20 फ्लायर्स फ्रॉम UK टेस्ट पॉजिटिव। तो RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी, सेपरेट आइसोलेशन यूनिट फॉर दोज फाउंड विद द न्यू वेरियंट। ठीक है, सो एटलीस्ट 20 पैसेंजर्स फ्लाइंग इन टू इंडिया। सो हर्षित, डिपेंड्स अपॉन यू, अगर आपको लगता है कि नोट्स जरूरत है तो आप बना सकते हो, देयर इज नो यू नो नथिंग नथिंग डिनाइंग दैट। ठीक है ना? चलिए, सो यस, एटलीस्ट 20 पैसेंजर्स हैव बीन फाउंड पॉजिटिव। राइट, मैंडेटिंग RT-PCR टेस्ट फॉर ऑल द एयरपोर्ट फॉर ईच ट्रैवलर फ्रॉम द कंट्री। सो दिस इज अ गुड थिंग कि भाई आपके RT-PCR टेस्ट जो है उसको मैंडेटरी बना दिया गया है फॉर द पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम UK टू इंडिया। ठीक है, ओके। आपका बात ये है कि जो अभी लेटेस्ट जो लेटेस्ट आपकी स्ट्रेन आया है दैट सीम्स टू हैव इंक्रीज द ट्रांसमिसिबिलिटी बाय 70%। सोनी, अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं तो मैं कैसे एक्सप्लेन अगेन कैसे कर दूँ कुछ अभी पढ़ाया ही नहीं है। द ओनली थिंग वी हैव टोल्ड इज दैट भाई 20 लोग हैं जो UK से आए वो पॉजिटिव टेस्ट हुए कोविड के, इसमें क्या एक्सप्लेन चाहिए आपको? राइट, द आइडिया इज दैट जो नया स्ट्रेन है, देयर इज अ न्यू वेरियंट ऑफ द वायरस, जो कोरोना वायरस है उसका एक नया वेरियंट है जो यूनाइटेड किंगडम में इस समय अपरेंटली मिला है। ओके, सो देयरफॉर द आइडिया इज दैट दैट सीम्स टू हैव इंक्रीज्ड दी ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द कोरोना वायरस बाय 70%। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंकिता, यू विल फाइंड दी PDF ऑल्सो आफ्टर दी क्लास एंड्स। बिल्कुल,
हाँ इसराइल की भी पार्लियामेंट डिसॉल्व हुई है, इसराइल पार्लियामेंट इज डिसॉल्व वंस अगेन, ठीक है। अभी विल स्टडी अबाउट दैट ऑल्सो, पहले इसको कर लेते हैं। सो व्हाई इज दिस सोर्स ऑफ अ कंसर्न, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दी ट्रैवल हैड स्टार्टेड फ्रॉम दी वेरियस कंट्रीज एंड नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग वुड अगेन क्रिएट अ जॉस्टल, एंड उसके वजह से आपने नोटिस किया होगा जैसे ही पता चला कि नया स्ट्रेन आया है विच इज मोर ट्रांसमिसिबल, राइट, सेंसेक्स नीचे गिर गया था। डिड यू सी दैट? डू यू गाइस ऑब्जर्व दैट 3% से सेंसेक्स वेंट डाउन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एकदम से जो मार्केट था उसमें उथल पुथल हो गई। अरे अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि लॉकडाउन फिर से हो जाए, कंपनीज फिर से बैठ जाए, ठीक है ना। ओके सो साइकथ मैं वही। ओके सो नाउ द थिंग इज दैट इज दिस वेरियंट ऑफ कोरोना वायरस इन टर्म्स ऑफ सिम्टम्स इन टर्म्स ऑफ डेथ परसेंटेज एनी डिफरेंट? द आंसर इज नो, ठीक है। ओनली थिंग इज दैट इट सीम्स टू हैव इंक्रीज द ट्रांसमिसिबिलिटी, वो ज्यादा ट्रांसमिट हो रहा है एक दूसरे से, दूसरे में ज्यादा फैल रहा है, दैट इज द थिंग। इट इज अ फास्टर रेट ऑफ स्प्रेड, ठीक है ना। सो प्रियंका अवॉइड करिए ट्रैवल करना, ठीक है ना। सर अभी ट्रैवल करना चाहिए? नहीं अभी अवॉइड करिए, मतलब जितना मिनिम, अगर कोई अर्जेंट ट्रैवलिंग है तो कर सकते हैं, बट अदरवाइज दैट इज द नॉर्म, ये तो नॉर्मल है। ये इस पर्टिकुलर वायरस स्ट्रेन से कोई उसका ताल्लुकात नहीं है, बिकॉज एनी वे कोरोना इज इटसेल्फ अ वेरी डेंजरस डिजीज। नेक्स्ट इज फायर फ्लाइज टू शाइन अ लाइट फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। ये आज मैंने इसको कवर भी किया था इन दिस मॉर्निंग सेशन, आई डिस्कस दिस इन डिटेल। सो एक इंटरेस्टिंग सा एक नया डिवाइस यूज किया जा रहा है नोन एज अ फायर फ्लाई बर्ड योर डाइवर्टर। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है, राइट, द प्रॉब्लम विच अराइजेज इज दैट आपका जो ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं, जो पावर ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं, डू दे हैव लो वोल्टेज और आर दे हाई वोल्टेज लाइन्स? यस दे हैव हाई वोल्टेज लाइन्स, एग्जैक्टली ना। इसमें वोल्टेज जो है वो हाई है, दिस अ हाई वोल्टेज लाइन्स, एंड देयरफॉर जब भी कोई बर्ड इस पे जाके अगर टकराएगी तो वो उस पे करंट उस पे पास कर सकता है, राइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज देयरफॉर अलोंग विद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी कम अप विद दिस इनिशिएटिव, जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन को वाइल्ड में बचाया बचाया जाएगा बाय क्रिएटिंग दिस और इंस्टॉलिंग दिस फायर फ्लाई बर्ड योर डाइवर्टर, ठीक है ना। होगा क्या इसके अंदर कि फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर आर फ्लैप्स इंस्टॉल ऑन द पावर लाइन्स, ठीक है ना। ओके सो पावर लाइन्स जो हैं उनके फ्लैप्स पे, ओके, आपके पावर लाइन जो है उनके फ्लैप्स पे ये लगाया जा रहा है, सो दैट व्हेन द बर्ड लुक्स एट द दिस पर्टिकुलर आपका पावर लाइन, इट सीज दैट रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। आर यू गेटिंग द होल लॉजिक? ठीक है, तो सनलाइट का रिफ्लेक्शन उनको दिखेगा। ओके व्हेन द सनलाइट का रिफ्लेक्शन दिखेगा, दे कैन सी ओहो ये कुछ नया है, दिस इज समथिंग विच इज आई हैव टू गो अवे फ्रॉम। सो 50 मीटर दूर तक द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कैन कैन व्यू दिस एंड कैन देयरफॉर चेंज द पाथ ऑफ फ्लाइट। प्रॉब्लम क्या होती है भाई, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यहां पे काम पे आ जाता है, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कम्स इनटू द वर्क हियर। हाउ डज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कम इनटू द पिक्चर? यस बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज योर इनर्शिया। हेलो प्रियंका, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो प्रियंका वी आर हैविंग द हिंदू पेपर एनालिसिस टुडे हियर, हम लोग यहाँ पे न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं आज का, सो आई होप दिस हेल्प्स यू। सो इनर्शिया क्या होता है, वॉट इज इनर्शिया, वॉट इज इनर्शिया? इनर्शिया बेसिकली मीन्स दैट अगर आपकी बॉडी मूव कर रही होगी तो इट टेक्स टाइम फॉर द बॉडी टू स्टॉप, ठीक है, एंड अगर आपकी बॉडी स्टॉप पे है तो इट टेक्स टाइम फॉर द बॉडी टू मूव, सिंपल सा बात है। देयरफॉर व्हेन यू आर फ्लाइंग, व्हेन द बर्ड इज फ्लाइंग, बिकॉज उसका वजन ज्यादा है तो उसका मोमेंटम है, एंड देयरफॉर अगर उसको एकदम से चेंज करना पड़ेगा उसको बहुत पावर लगानी पड़ेगी, उतनी पावर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के विंग्स में नहीं होती है बिकॉज द बॉडी वेट इज सो हाई। सो जब तक कहेगा ओ माई गॉड मैं तो मरने वाली हूँ, तो कोशिश करेगी जाने की दूसरी डायरेक्शन में, तब तक उसकी बॉडी घुस चुकी होगी पावर ट्रांसमिशन के अंदर, ठीक है ना। ओके सो वंशिका ने कुछ शेयर किया, लेट अस सी व्हाट वंशिका शेयर विद अस।
हाँ ये आप देख सकते हो, दीज आर दी, कैन यू सी दिस फोटोग्राफ्स, है ना? सो कैन यू सी दैट, ये थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. तो इनको दूर से दिख जाएगा, ये रिफ्लेक्टर्स लगा रखे हैं यहाँ पे, ये पूरे उस लाइन में रिफ्लेक्टर्स हैं. दिस इज हाउ इट लुक्स विदाउट रिफ्लेक्टर्स, दिस इज हाउ इट लुक विद रिफ्लेक्टर्स. दिख रहा है ना कोई, ये रिफ्लेक्टर्स हैं यहाँ पे, शाइनी शाइनी लाइट्स हैं, दिस इज शाइनी, इधर शाइन हो रहा है, जैसे शाइनिंग, जैसे लग रहा है कि दिवाली की लाइट्स नहीं लगती हैं, दिवाली की लाइट्स लगी होती है, वैसी फीलिंग आती है इसको देख करके. सो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए दिवाली लाइट्स लगाई गई एक तरह से. द यूज इज सना, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको. द आइडिया इज दैट आपका ये रिफ्लेक्टर्स लगे होंगे, दीज रिफ्लेक्टर्स वुड बेसिकली प्रोवाइड अ वार्निंग, दे विल प्रोवाइड अ वार्निंग फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक ना? हाँ, तो हर्षित द थिंग इज दैट बर्ड जनरली डो नॉट फ्लाई इन द नाइट, दीज बर्ड्स डोंट फ्लाई इन द नाइट. चमगादड़ तो है नहीं कि उड़ जाएंगी, ठीक है ना? तो सोती है बेचारी, तो सोने देते रात में, तो बेटा तुम सो, ठीक है ना? सो देयरफॉर द आइडिया इज देयर, ठीक है, कि वो उतनी दिक्कत. अब कोई रात में उड़ने का किसी को मूड हो गया, ब्रो मैं चलती हूँ यार, मैं बट आई वॉन्ट वॉन्ट हैंग आउट इन द नाइट ब्रो, राइट? तो भाई एकदम मस्त उड़ के जाएगी, वो कहेगा अरे उप्स ज़्यादा गड़बड़ हो गई. सो कह के भाई सो, तो ये लोग हमारी तरह तो होते नहीं है, जनरली नाइट आउट नहीं मानते मारते, लेकिन स्नीक आउट नहीं करते जनरली बर्ड्स, वो मूवीज में तब भी कर लेंगे हमारी जो डिज्नी मूवीज होती हैं, बट जनरली दे डोंट, ठीक है? दे फोर द आइडिया इज दैट दिन के समय ज़्यादा चांसेस होते हैं. एंड इनफैक्ट द प्रॉब्लम इज दैट ये जो मल्टीपल ओवरहेड वायर्स हैं, इससे 15% ऑफ द पॉपुलेशन इज थ्रेटेंड. कैन यू इमेजिन, 15% ऑफ द पॉपुलेशन इज थ्रेटेंड बाई ओनली दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, तभी ये लगाए जा रहे हैं. डू नो हाउ मेनी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आर रिमेनिंग इन इंडिया? एनी आइडिया? लेस देन 150. कैन यू इमेजिन, 150 से कम बची हैं चिड़ियाएं हैं सिर्फ. देर आर ओनली लेस देन 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, इतनी कम पॉपुलेशन बची है, जस्ट इमेजिन दैट. Therefore, they are endangered. Yes. Okay. नहीं, कर्नाटका में इतना नहीं है, कर्नाटका में इतनी नहीं है, इट्स मोर राजस्थान, सम एक्सटेंट गुजरात, बट इट इज मोस्ट मोस्टली इन दिस डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क एंड पोखरण, इस एरिया में काफी है डेजर्ट नेशनल पार्क. इनफैक्ट यू शुड नॉट दिस, यू शुड नो दिस वॉज अ प्रिलिम्स क्वेश्चन दिस ईयर, इस साल का ये प्रिलिम्स क्वेश्चन था. डेजर्ट नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है, इस टाइप का स्टेटमेंट दिया हुआ था. वॉट इज IUCN स्टेटस, वॉट इज IUCN स्टेटस ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? एज मेंशन बाय मानसी, इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. यस, CE यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड. हाँ, एंड उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, दैट इज द प्रोजेक्ट गोवर्धन, सॉरी गोदावन, गोदावन सॉरी गोवर्धन नहीं, सॉरी गोदावन, ठीक है ना? गोदावन नाम, बिकॉज द लोकल नेम ऑफ द बर्ड इटसेल्फ इज गोदावन. चलिए, सो ये इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इट, समझ में आ गया? सो आप देख सकते हो ये पोखरण तहसील में लगाया जा रहा है ये सब फायर फायर फ्लाई डिटेक्टर्स, ठीक है ना? एंड इनको फायर फ्लाइज क्यों कहते हैं? बिकॉज दूर से ऐसा नहीं लगता कि जुगनू हो, जैसे ठीक ना, जुगनू की तरह से. देखो द नेम हैज बीन गिवन, डायवर्टर्स आर कॉल्ड फायर फ्लाइज बिकॉज दे लुक लाइक फायर फ्लाइज फ्रॉम अ डिस्टेंस, दे आर मिरर्स, दे आर मिरर्स, ठीक है, रिफ्लेक्टर्स है, मिरर्स है, ठीक है ना? एडिटोरियल को अभी हम लोग करेंगे, लेट्स विल डू द एडिटोरियल इन जस्ट टुवर्ड्स द एंड, पहले बाकी आर्टिकल्स कर लेते हैं. सो दे या दे ट्विंकल, बिल्कुल, तो दे विल काइंड ऑफ वॉर्न दी बस्टर्ड कि यहां मत आओ. चलिए बाकी आर्टिकल्स देख लेते हैं. यस, वेस्टर्न घाट्स होम टू 3387 लेपर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? नाउ द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच यू कैन एक्सपेक्ट इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ लेपर्ड्स. सो कहाँ पर है? कर्नाटका टॉप्स द लिस्ट, वंशिका, कर्नाटका हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ 1783 लेपर्ड्स, ठीक है? सो वेस्टर्न घाट्स इज होम टू अराउंड 3387 लेपर्ड्स रोमिंग अराउंड इट्स फॉरेस्ट.
एंड आपका इंडिया की जो पॉपुलेशन टोटल है दैट इज़ अराउंड 12,000, ठीक है ना। तो टोटल लेबर्ड पॉपुलेशन इज अराउंड 12,852। विद इन दैट दिस रिपोर्ट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वेस्टर्न घाट्स इज अराउंड 3,387 लेपर्ड्स, ठीक है ना। ये है आपका। सो मोहम्मद इज आस्किंग वेस्टर्न घाट्स में कौन से नेशनल पार्क है। मेनी आर देयर एक्चुअली। वेस्टर्न घाट्स पता है क्या है? वेस्टर्न घाट्स इज अ आर दी हिल्स एंड द माउंटेन्स विच रेंज फ्रॉम योर गुजरात टू महाराष्ट्र टू कर्नाटका, गोवा, केरला टू तमिलनाडु। सो दिस होल एरिया इज द वेस्टर्न घाट रीजन का। पुडुचेरी नहीं, पुडुचेरी तो उस साइड, पुडुचेरी का एक पोर्शन आ जाएगा, बट पुडुचेरी इज लार्जली टुवर्ड्स दी योर ईस्टर्न कोस्ट। एक पोर्शन है इस तरफ, राइट। बट या इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स, दीज आर द सिक्स स्टेट्स। सो ये छह स्टेट्स के अक्रॉस आपका वेस्टर्न घाट एग्जिस्ट करता है, राइट। एंड देयरफॉर कोई ऐसा एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ, एक एक पर्टिकुलर नहीं है, नीलगिरीज भी वेस्टर्न घाट्स पे हैं। इनफैक्ट नीलगिरीज इज दी जंक्शन, इट्स अ जंक्शन बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। नीलगिरीज इज द जंक्शन बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। सो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। सो नाउ लेपर्ड पॉपुलेशन वॉज काउंटेड ड्यूरिंग द टाइगर पॉपुलेशन असेसमेंट अंडरटेकन इन 2018, ठीक है ना। सो योर लेपर्ड पॉपुलेशन जो है ये टाइगर टाइगर पॉपुलेशन के साथ ही चलाई गई थी। एंड वेस्टर्न घाट्स इज ऑल्सो नोन एज योर सह्याद्रीज। एग्जैक्टली वाकिफ, इनको सह्याद्रीज भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज नो एपेटाइट इन रूरल इंडिया फॉर पेड वैक्सीन से सर्वे। सो एक सर्वे निकल के आई, दिस तो यार हमको आभास था ही पहले से। सो अर्ली पेरेंट्स, सो एल्डरली पेरेंट्स, योर डॉक्टर्स, राइट, इन सबको पहले इम्यूनाइजेशन हो जाए, दिस इज व्हाट द रिस्पोंडेंट्स वांट। सो ऑल द रिस्पोंडेंट्स आर फीलिंग, मोस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स आर फीलिंग दैट एल्डरली पेरेंट्स एंड योर डॉक्टर्स जो है इनको इम्यूनाइजेशन पहलाना चाहिए वैक्सीन की। बट लेस देन हाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट्स वर विलिंग टू पे फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19। वैसे तो इफ आई से, राइट, वैसे तो इफ आई से दैट, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है ना। सो दिस इज देयर नाउ। देयरफॉर द सर्वे हैज बेसिकली ऑब्जर्व दैट जो जनता है रूरल एरिया की, दे आर फीलिंग दैट पेड वैक्सीनेशन मे नॉट वर्क, यू नो, मे नॉट बी फिजिबल फॉर मेनी ऑफ देम। दे वुड वॉन्ट अ फ्री वैक्सीनेशन। मुझे तो लगता है कि 44% इटसेल्फ इज अ बिग नंबर, डोंट यू थिंक? हु आर सेइंग दैट दे आर विलिंग टू पे? 44% पीपल, इफ दे से दैट यू नो दे आर विलिंग टू पे, इट्स इटसेल्फ इज अ बिग नंबर, ठीक है। ओके, सो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, राइट। सो करेक्ट। अब इस सर्वे से हमको एक और चीज इंटरेस्टिंग जो पता चलेगी, वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट विल हैपन थ्रू दिस सर्वे इज दैट एक एस्टिमेट लग जाएगा कि विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉपुलेशन वुड बी विलिंग टू पे फॉर दी वैक्सीन एंड हाउ मेनी विल नॉट बी विलिंग टू पे। इनफैक्ट अगर हम देखें कि एक और सर्वे हमने बात करी थी, वी डिस्कस दैट अ फ्यू डेज बैक, विच सेड दैट 45%, 45% ऑफ द पीपल हु आर देयर दे डोंट वॉन्ट दी वैक्सीनेशन टू बी डन इन द इनिशियल टाइम्स। उनको दे वॉन्ट टू वेट एंड वॉच, राइट। सो विच ऑल्सो शोज दैट देर इज अ स्केप्टिसिज्म, दिस इज स्केप्टिसिज्म, नहीं दिस इज इंडिया, इंडिया स्पेसिफिक मानसी, दिस इज स्केप्टिसिज्म अबाउट द एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन। एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट विल हैव टू डू टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट वेन एवर द वैक्सीनेशन ड्राइव इज स्टार्टेड विल हैव टू प्रमोट एज मच एज पॉसिबल कि भाई ये वैक्सीनेशन जो है वो कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है। वी हैव टू टेल कि अच्छा कुछ लोगों को अगर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, आर दे लार्ज नंबर, आर दे मैनेजेबल, राइट। लॉन्ग आपके इस टाइप की चीजें बतानी पड़ेंगी, तभी
एक जो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं वो चीज को टैकल करना पड़ेगा, विच इज नोन एज और वैक्सीन हेजिटेंसी। ये टर्म सुना होगा आप लोग ने, वैक्सीन हेजिटेंसी, ठीक है ना? ओके, सो वैक्सीन हेजिटेंसी इज बेसिकली अ मेजर इशू। कई लोग जो हैं थोड़े हेजिटेंट हैं टुवर्ड्स दिस वैक्सीन बिकॉज इट हैज बीन एक्सपेडाइटेड। जो वैक्सीनेशन जनरली 3 साल लगते हैं, 2.5 ईयर्स लगते हैं, वो कुछ मंथ्स के अंदर आ गई है, ठीक है? एंड आपका उसके ऊपर टॉप ऑफ दैट, द लेटेस्ट सर्वे हैज ऑल्सो शोन दैट योर रूरल एरिया में अराउंड 44% के करीब लोग हैं जो पे करने को रेडी हैं, बट देर इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु डज नॉट वॉन्ट टू पे, राइट? एंड इनफैक्ट द आइडिया इनिशियली इज दैट जो कुछ टारगेट पॉपुलेशन होगा उसको फ्री वैक्सीनेशन ही प्रोवाइड की जाएगी। सम टारगेट ऑडियंस वुड बी प्रोवाइडेड फ्री वैक्सीनेशन इटसेल्फ, ठीक है ना? तो लेट अस सी, अभी तो हुआ नहीं है, इट इज स्टिल एट द इनिशियल स्टेजेस, विल गेट टू नो इन वेरी वेरी शॉर्टली, ठीक है ना? राइट, अब अगर देखें, दिस वॉज अ बिग न्यूज, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज अवॉर्डेड द लीजियन ऑफ मेरिट बाय डोनाल्ड ट्रंप। तो हमारे डोनाल्ड ट्रंप मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे को लीजियन ऑफ मेरिट का एक अवार्ड दे दिया है। मैं बता रहा हूं, मेरे को ये जो अवार्ड है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लेने को तैयार हूं बिल्कुल, ठीक है? सो द थिंग इज दैट इसके अलावा, मोदी जी के अलावा, यू हैव हैड अदर लीडर्स ऑफ ऑफ द वर्ल्ड सच एज शिंजो आबे, स्कॉट मॉरिसन, हु हैव ऑल्सो रिसीव दिस ऑनर। अब वाई इज दिस इंपॉर्टेंट भाई? ये मोदी जी का एक अवार्ड जो मिल गया, ये हमारे लिए एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट है? मे बी इट विल नॉट बी आज इन प्रिलिम्स, मेंस में यू कैन यूटिलाइज दिस व्हेन अ क्वेश्चन कम्स दैट इंडिया यूएस के बीच में, राइट, कैसे रिलेशनशिप रहे हैं। तो यू कैन से इन द रीसेंट टाइम्स द आउटगोइंग प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप अवॉर्डेड द लीजियन ऑफ मेरिट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर एडवांसिंग द इंडिया यूएस रिलेशनशिप, ठीक है? इंडिया यूएस रिलेशनशिप जो है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए द लीजियन ऑफ मेरिट अवार्ड एक अवार्ड है विच इज गिवन टू दी ग्लोबल लीडर्स बाय यूएस, ठीक है ना? ओके, वी ऑल नो दैट आपका इंडिया है, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑल फोर ऑफ देम आर द इंटीग्रल मेंबर ऑफ क्वाड, राइट? क्वाड बेसिकली इज अ पर्टिकुलर ग्रुपिंग, इट्स एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग विच इन द रिसेंट टाइम्स हैव एक्टेड एज अ काउंटर टू द चाइनीज एग्रेशन, ठीक है ना? आपके चाइनीज एग्रेशन का ये एक टाइप से काउंटर करने के लिए एक ग्रुपिंग बनाई गई है। दो दे क्लेम, नहीं, हमने नहीं, हम तो चाइना के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं कर रहे, यूएस के अलावा बाकी सब थोड़े से कतराते हैं बोलने के लिए। यूएस इज लाइक ब्रो, हाँ मैं तो हूँ चाइना के खिलाफ, चाइना तू जा, ठीक है? बट अदर थ्री कंट्रीज आर अ लिटिल स्केप्टिक इन ओपनली काइंड ऑफ एट प्रेजेंट सेइंग दैट क्वाड इज अगेंस्ट योर चाइना, बट नंदलेस ऑल दी योर एनालिसिस गोस पॉइंट्स टुवर्ड्स दैट द सेम फैक्ट इटसेल्फ, ठीक है ना? सो दिस इज द थिंग नाउ, देयरफॉर इंडिया यूएस रिलेशनशिप में दिस इज अ नेक्स्ट माइलस्टोन वेयर द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन अवॉर्डेड दिस लीजन ऑफ मेरिट, ठीक है? सर, कैन वी कैन ट्रस्ट ऑस्ट्रेलिया? यस, एक समय ऑस्ट्रेलिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हैड अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद इंडिया, बट इन द रिसेंट टाइम्स बिकॉज ऑफ द चाइनीज अग्रेशन इन द साउथ चाइना सी, ऑस्ट्रेलिया का खुद की सॉवरेनिटी हैज बीन थ्रेटेंड, ठीक है ना? हाँ वो तो है, बट अभी इन द रिसेंट टाइम्स, सी वन थिंग आई लाइक टू मेंशन इज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट इन इंटरनेशनल रिलेशंस, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज इन द इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है ना? तो भाई कोई परमानेंट फ्रेंड परमानेंट एनिमी नहीं होती है। व्हाट इज परमानेंट इज व्हाट, बताइए परमानेंट क्या होता है? परमानेंट इज नेशनल इंटरेस्ट भाई, खुद का इंटरेस्ट। तो अभी चाइना के खिलाफ ये चारों कंट्री को लगता है कि भाई हम दोस्त रहेंगे तो अच्छी बात है, कौन बताता है भाई 50 साल बाद जाकर के कोई कुछ और हो जाए, क्या पता चाइना और कोई एक्स वाई जेड कंट्री खुद बड़े अच्छे दोस्त बन जाए, हु नोज? सो दोज थिंग्स आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। तभी तो यार कोई ऐसा जरूरी थोड़ा होता है कि आप पुराने जमाने में जैसा था वही कंटिन्यू हो। डज दैट मेक सेंस, ठीक है ना? दैट इज द रियलिस्ट अप्रोच, दिस इज रियलिस्ट अप्रोच। राइट,
सो वंशिका आप एक बार चेक कर लेना, जो आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो ना, जो आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं वो एक बार चेक कर लेना कि इट कुड हैव बीन एन ओल्ड डेटा। अभी एक बार सोर्स डेटा देख लेना, क्योंकि दिस जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया दिट इज़ द लेटेस्ट डेटा। तो देर आर यू नो दिस डेटा कीप ऑन चेंजिंग ऑल्सो विद दिस डिफरेंट सेंसस रिपोर्ट। सो आप यू जस्ट क्रॉस चेक द सोर्स ऑफ द डेटा दैट यू आर यूटिलाइजिंग, इज दैट ओके? ठीक है ना। नाउ हेल्थ डेटा शोज इंडिया डज नॉट नीड अ टू चाइल्ड पॉलिसी। वॉट इज दिस टू चाइल्ड पॉलिसी? क्या होता है ये टू चाइल्ड पॉलिसी गाइस? वॉट इज दिस टू चाइल्ड पॉलिसी? टू चाइल्ड पॉलिसी, हम दो हमारे दो। डू वी हैव द हम दो हमारे दो एज अ यू नो क्या कहते हैं मैंडेटेड? इनफैक्ट क्या वो कंपल्सरी है? द आंसर इज नो, इट्स जस्ट अ स्लोगन। हम दो हमारे दो जो है दैट्स जस्ट अ स्लोगन, ठीक है ना। बिकॉज वॉट वी वॉन्ट टू अचीव इज दैट वी वॉन्ट टू काइंड ऑफ प्लेटो आर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एट प्रेजेंट वॉट इज अ पॉपुलेशन? अ पॉपुलेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 1.25 टू 1.3 बिलियन। एंड वॉट इज आर फर्टिलिटी रेट? फर्टिलिटी रेट क्या है हमारी? फर्टिलिटी रेट इज 2.18। इट्स 2.18, 2.1 तो होता तो भाई बढ़िया हो जाता, इट इज 2.18, ठीक है। इट मीन्स दैट ऑन एन एवरेज दो पेरेंट्स के 2.18 बच्चे होते हैं। तो सारी पॉइंट 0.18 बच्चे कहां से पैदा हो गए सर? 0.18 बच्चे कहां से पैदा हो गए? राइट, द थिंग इज स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, ठीक है ना। सो व्हाट वी आर लुकिंग एट इज दैट 200 पेरेंट्स के 218 बच्चे होते हैं एज ऑफ नाउ। वॉट इज द टारगेट फॉर रिप्लेसमेंट रेट? रिप्लेसमेंट रेट का टारगेट क्या है? ये मैं बार बता चुका हूं, 2.1, राइट। 2.1 इज अ रिप्लेसमेंट रेट। वॉट डज दिस 2.1 मीन? कि भाई जब दो लोगों के 2.1 बच्चे होंगे या फिर 20 पेरेंट्स के 21 बच्चे होंगे दैट द पॉपुलेशन वुड रिप्लेस इटसेल्फ। अब वो सर यार दो होना चाहिए, 2.1 का क्या मतलब है? ठीक है ना, दो होना चाहिए, 2.1 का क्या मतलब है? सो इट इज स्टैटिस्टिकली बिकॉज ऑफ द योर डेथ जो वो होता है ना, मॉर्टेलिटी रेट इज ऑल्सो देयर। मॉर्टेलिटी रेट को मद्देनजर रखते हुए वी हैव टू काउंट फॉर द फैक्ट दैट सम किड्स माइट डाई आफ्टर बर्थ ऑल्सो, ठीक है। एंड देयरफॉर वी हैव टू हैव 2.1 राइट एज द नेशनल टारगेट फॉर द फर्टिलिटी रेट। या हर्षित भाई ऑर्फन्स का मतलब भाई यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स तो होंगे ना, राइट? कोई ना कोई तो पेरेंट्स होंगे, नहीं तो आई डोंट थिंक बायोलॉजिकली अनलेस एंड अंटिल आप कोई टेस्ट ट्यूब से बच्चा पैदा करें दैट माइट बी नॉट वेरी मच फीजिबल एज ऑफ नाउ फॉर अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है। सो देयरफॉर द थिंग इज दैट वी आर कंसिडरिंग नॉर्मल चाइल्ड बर्थ। हम नॉर्मल चाइल्ड बर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, नहीं उसमें भी पेरेंट्स होते हैं बट क्या पता कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हो कि जिसमें आपने आर्टिफिशियली एग या स्पर्म को क्रिएट कर लिया हो, वो भी तो वो बात अभी हम कर ही नहीं रहे हैं, उसको हम नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ऑलराइट, ओके। सो द आइडिया नाउ इज दैट योर PSPCI है इट इज मेंशनिंग दैट हेल्थ डेटा शोज दैट इंडिया डज नॉट नीड अ टू चाइल्ड पॉलिसी। तो द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो फिफ्थ आया है, फिफ्थ NFHS 5 आया है, हैज़ प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ एन अपटेक कि भाई जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो अर्बन एंड रूरल एरियाज में बेटर यूज हो रही हैं एंड एन इम्प्रूवमेंट इन दीज डिमांड्स हैव बीन मेट ऑल्सो विच इज लेड टू अ डिक्लाइन इन द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न बाय अ वुमेन। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई, ठीक है ना। सो द आइडिया इज दैट ऑन एन एवरेज बिकॉज ऑफ बेटर यूजेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, राइट राइट, जैसे इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए, डू यू नो वॉट इज अंतरायन छाया? वॉट इज दिस अंतरायन छाया? वॉट इज अंतरायन छाया? दीज आर गवर्नमेंट मैंडेटेड या नॉट मैंडेटेड, गवर्नमेंट रिलीज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सो अंतरायन छाया, वन इज अ पिल, अब एक मिनट, हाँ आई थिंक पिल इज दिस, ये पिल है आई थिंक, दूसरा वाला अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। सो दे आर टू टाइप्स ऑफ योर कॉन्ट्रासेप्टिव विच आर गवर्नमेंट की है, एक इंजेक्शन है, वन इज इंजेक्शन, आई थिंक छाया इज इंजेक्शन, ठीक है ना। सो देयरफॉर द थिंग इज दैट
अंतरा एंड छाया जो है दीज आर बीइंग प्रमोटेड हेवली बाय द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इज हेवली प्रमोटिंग दिस. अच्छा उल्टा होगा देन. थैंक यू सो मच सना. उल्टा वही मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज था. अंतरा इज द इंजेक्शन एंड छाया इज द पिल. छाया इज द टैबलेट. वही अभी बस इसको जस्ट रिप्लेस कर लेना. अंतरा इज द इंजेक्शन एंड छाया इज द पिल विच इज यूटिलाइज फॉर कॉन्ट्रासेप्शन. ठीक है. तो ये सब क्योंकि बेटर ढंग से प्रमोट हो रहा है मोर एंड मोर अर्बन एंड रूरल एरियाज में कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड सो दी टोटल फर्टिलिटी रेट सीम्स टू बी कमिंग डाउन. ठीक है ना. द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट जो पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने ये दिखाया है दैट द टोटल फर्टिलिटी रेट अक्रॉस 14 और द 17 स्टेट जिसका डेटा अभी तक आया है इस 2.1 चिल्ड्रन और लेस. मतलब 14 स्टेट्स अमंग द 17 स्टेट जिनका डेटा अभी NFHS 5 में आया है उनमें 2.1 से कम हो चुका है. इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग वहां पे पॉपुलेशन के डिक्लाइनिंग फेज में अब जाने वाले हैं. इन दो स्टेट्स आपके पॉपुलेशन इन द नियर फ्यूचर विल स्टार्ट टू डिक्रीज बिकॉज टोटल फर्टिलिटी रेट वुड गो डाउन 2.1. जो टारगेट अचीव्ड. यस इनफैक्ट यू नो व्हाट इज द फर्टिलिटी रेट इन केरला. केरला में कितना है, केरला में इट इज 1.7. समझ रहे हो, 1.7. और वही बिहार, हमार बिहार यूपी कहीं कम थोड़ी ना है जी, 3.4 आ रहे जी. बिल्कुल 3.4 बच्चा करेंगे हम. ठीक है ना. सो 3.4 वहां पे आपका टोटल फर्टिलिटी रेट है वाइल इन केरला इट इज 1.7. सो दिस ह्यूज डिस्पैरिटी. ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी आपके विद इन द स्टेट इटसेल्फ. यूपी ऑल्सो इज क्वाइट, उनका भी 3 के करीब है, इट्स क्वाइट हाई. ठीक है ना. सो यूपी बिहार तो भाई इन सब में काफी ज्यादा आगे रहते हैं. तभी तो आप समझ रहे हो ना, तभी तो व्हेन व्हेन द सेंसस डेटा इज टू बी अपडेटेड. ठीक है ना. ओके आपके सेंसस डेटा इज टू बी अपडेटेड तब रेजिस्टेंस कहाँ से आता है, सदर्न स्टेट से. दे आर लाइक सदर्न स्टेट्स आर लाइक यार हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल अच्छे से कर लिया है, अब आप डिलिमिटेशन करना चाहोगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का तो हमको नेगेटिव हो जाएगा. है ना, वी विल हैव लेस नंबर ऑफ सीट्स. यूपी बिहार में हैव मोर नंबर ऑफ सीट्स इफ द लेटेस्ट सेंसस डेटा इज यूटिलाइज्ड. सो यही ये दिक्कत की बात आती है. ठीक है ना. नहीं नहीं यार वाकिफ, एक्सट्रीम याद रख, एक्सट्रीम याद करके आपको फायदा होगा. बिकॉज मान लो क्वेश्चन आया कि यू नो हाउ टू टैकल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन अ कंट्री लाइक इंडिया. अब बस आपने ये बोल दिया इंडिया का फर्टिलिटी रेट 2.18 है तो आप खुश हो जाओगे, बट यू टू मेंशन दैट देयर डिस्पैरिटीज विद इन इंडिया. तो अब रादर देन जस्ट जस्ट राइटिंग दैट देयर डिस्पैरिटीज विद इन इंडिया, यू कैन जस्ट कोट दैट आपका केरला में इतना कम है, यूपी में या बिहार में इतना ज्यादा है, तो यू कैन सी देयर इज अ बिग डिस्पैरिटी. बस उसके लिए बस ये दो डेटा पॉइंट्स, दो तीन डेटा पॉइंट्स होते हैं जो रेलिवेंट होते हैं. ठीक है ना. सो दैट यू कैन क्वांटिफाई वेन एवर यू राइट योर मीन्स आंसर्स. सो यही है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी इज वॉट वी वॉन्ट टू अचीव. ठीक है ना. ओके सो यही बात. सो इसलिए बोल रहे हैं कि अभी इंडिया को, क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन द वर्ज ऑफ रिड्यूसिंग दी पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट, सो हमको मैंडेटेड टू टू चाइल्ड पॉलिसी की जरूरत है नहीं. दिस इज वॉट वी आर ट्राइंग टू असर्टेन. इज दैट पॉइंट क्लियर. ठीक है ना. ओके सो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव ऑलरेडी अटेन दिस रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी. बस हमको अब एफर्ट ये मारना है कि जो स्टेट्स हैं यूपी बिहार और उसी टाइप के और स्टेट्स जो हो गए वहां पे फर्टिलिटी रेट को हम लोग थोड़ा और कंट्रोल कर लें, ओवरऑल कंट्री का फर्टिलिटी रेट कंट्रोल हो जाएगा. बट जैसे ये होगा एक दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी. बताइए क्या. देन द प्रॉब्लम वुड बी आर एजिंग पॉपुलेशन विल राइज अप, ओल्ड पॉपुलेशन. फिर हमको जेरियाटिक केयर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी. द होल नेशन वुड रिक्वायर मोर एंड मोर जेरियाटिक केयर, बूढ़े लोगों की केयर करने के लिए ज्यादा जरूरत पड़ेगी. एंड वर्किंग एज पॉपुलेशन वुड स्टार्ट टू डिटोरिएट, ड्विंडल 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 एंड एट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स वी माइट बिकम लाइक जापान. इनफैक्ट डू यू नो एज पर द यूएन रिपोर्ट व्हाट इज द ईयर जब हमारी पॉपुलेशन पीक करने की एक्सपेक्टेड है. नॉट 2060, 2047. 2047 इज द ईयर व्हेन आर पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू पीक. प्रियंका क्लास खत्म होती है तो आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है ना. ओके नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज जापान इंडिया कंकर ऑन डिफेंस इश्यूज. ठीक है ना. सो जापान इंडिया कंकर ऑन डिफेंस इश्यूज. अच्छा ये बताइए इंडिया और जापान के बीच में जो मिलिट्री आपकी वो होती है
जॉइंट मिलिट्री एक्सेल, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, जैसे हम डिफेंस की बात करें तो एक जिमेक्स है, यस जिमेक्स, राइट, एक है जिमेक्स, दूसरा क्या है, व्हाट इज द सेकेंड वन, नहीं क्वाड तो अलग है, क्वाड नहीं मैं बायलैटरल की बात कर रहा हूँ, धर्मा गार्डियन, आर यू श्योर, धर्मा गार्डियन, थर्मा गार्डियन इज बिटवीन इंडिया जापान, हाँ वो भी है, थर्मा गार्डियन इज ऑल्सो देयर एंड वन मोर इज देयर, एक और है जिसका नाम है आपका ये संयोग काइजिन, हैव यू हर्ड ऑफ दैट, सहयोग काइजिन, ठीक है ना, सो जिमेक्स, संयोग काइजिन एंड इवन थर्मा गार्डियन आर द थ्री वेरी फेमस एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया एंड जापान। हाँ राजीव, वो सब जो चीज़ें हैं दोज आर देयर इन सम स्टेट, तो स्टेट स्पेसिफिक आपके कुछ कुछ लॉज बने हैं जहाँ पे कुछ MLAs वगैरह आप को कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, ठीक है ना, संयोग काइजिन इज ऑल्सो देयर, यस, सो एक्सचेंजिंग व्यूज ऑन रीजनल सिचुएशंस इंक्लूडिंग द ईस्ट चाइना सी एंड द साउथ चाइना सी, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड जापान ऑन ट्यूजडे कंकर्ड इन सेंडिंग अ क्लियर मैसेज दैट दे स्ट्रांगली अपोज एनी अटेम्प्ट टू यूनिलैटरली चेंज द स्टेटस क्वो, ठीक है ना, दैट एस्केलेट टेंशन, ओके, सो द आइडिया इज दैट वो लोग डिफेंस इशूज में करेंगे, भाई हम तो एकदम मस्त, हम एकदम मस्त एक दूसरे की हेल्प करेंगे एंड वी आर ओपन टू फ्री एंड ओपन मैरिटाइम ऑर्डर, वी वॉन्ट अ रूल ऑफ लॉ बेस्ड ऑर्डर, सो बेसिकली दिस इज समथिंग नॉट न्यू, ये कोई नया बात नहीं है, बिकॉज इंडिया जापान हैज बीन ओल्ड एनिमीज, एनिमीज कह रहा हूँ फ्रेंड्स, एंड देयर फोर दिस इज समथिंग विच वी कीप ऑन डूइंग, ठीक है ना, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट दैट जापान और इंडिया आर द पार्ट ऑफ क्वाड एज वेल, ठीक है ना, इज दैट डज दैट मेक सेंस एवरी वन, समझ आगे बात, ठीक है, एंड यहां पर किसके खिलाफ ये लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, वी स्ट्रांगली अपोज एनी अटेम्प्ट टू यूनिलैटरली चेंज द स्टेटस क्वो बाय कोअर्शन एक्टिविटी दैट एस्केलेट टेंशन, दिस इज अगेंस्ट चाइना, ये चाइना को ये बिना नेम करे बोला है कि भाई चाइना ही तो ऐसी कंट्री है जो स्टेटस क्वो चेंज करता रहता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आकर के घुस जाते हैं, हमारे इंडियन आर्मी वालों को मार देते हैं, जापान ऑल्सो फेसेस द सेम थिंग, जापान ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन वेरियस आइलैंड्स विद योर चाइना, राइट, द स्पार्टली आइलैंड्स वगैरह सुना होगा आप लोगों ने, स्पार्टली आइलैंड्स वगैरह जो हैं जापान एंड चाइना के बहुत उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, अच्छा ये बताइए चाइना जो जो है वो जापान का पुराना एनिमी ऐसा क्यों है, व्हाट इज देयर बिटवीन देम कि दे आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड, जबकि इतने पास में हैं तो दोस्त हो सकते हैं ना, एक तो यह है कि चाइना बड़ी कंट्री है, जापान उसके सामने थोड़ी साइज में छोटी लगती है, बट द जेनेसिस इज अ वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर में उल्टा था पता है आपको, जापान पूरा चाइना को एक तरह से कंट्रोल कर लिया था, आधे जाने को तो एटलीस्ट कंट्रोल कर लिया था, इट हैज इन्वेडेड चाइना, देखो चाइना हैज दैट पर्टिकुलर एक वो स्कार है ना कि ये छोटू कंट्री ने मेरे खिलाफ ऐसे कैसे कर दिया, सो फासिस्ट जापान का जो एग्रेशन था अगेंस्ट चाइना एंड विच एंडेड अप जापान कंट्रोलिंग एटलीस्ट हाफ ऑफ चाइना हैज लेड टू अ हिस्टोरिकल राइवलरी बिटवीन द टू नेशंस आफ्टर चाइनीज इंडिपेंडेंस, इज दैट क्लियर, डज दैट मेक सेंस ऑल ऑफ यू, ठीक ना, चलिए फिर WHO कॉल्स मीटिंग ऑन न्यू वायरस वेरियंट, सो भाई WHO इज लाइक अरे मीटिंग का मौका मिल गया ब्रो, कुछ और मैं करूँ ना करूँ मीटिंग जरूर करूंगा मैं, और फिर मेरे चार अलग अलग साइंटिस्ट होंगे जो चार अलग अलग आइडियाज दे देंगे जिससे दुनिया भर दुनिया को हम बेवकूफ बनाते रहेंगे बस बैठ के, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है, एंड एवरीवन इज लाइक अब मैं क्या करूं, ठीक है, सो देर इज नॉट गेट इनफ डेटा टू डिटरमाइन वेदर दिस स्ट्रेन कुड अफेक्ट द एफिकेसी ऑफ वैक्सीन, सो ये बात यही है, ये हम बार बार बात कर रहे हैं कि वैक्सीन जो है इट माइट स्टिल इट इज देर इज नथिंग टू से दैट इट विल नॉट एक्ट अगेंस्ट द न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन, बट रिगार्डलेस जो मोर इन्फेक्शियस कोरोना वायरस स्ट्रेन जो UK में निकल के आया हुआ है उसको टैकल करने के लिए आपका WHO इज बेसिकली नाउ मीटिंग विद इट्स मेंबर्स, ठीक है, WHO के रीजनल डायरेक्टर ने बोला है लिमिटिंग ट्रैवल टू कंटेन स्प्रेड इज प्रूडेंट अंटिल वी हैव बेटर इन्फो, सो बात वही है, देखिए यहाँ पे यही हो रहा है कुछ नया होता है ना तो आप जस्ट यू ट्राई टू डिले दी स्प्रेड, यू ट्राई टू डिले दी ट्रांसमिशन, ठीक है ना, ओके उससे क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन बिकॉज ऑफ दैट इज दैट यू गेट टाइम टू एनालाइज द न्यू स्ट्रेन एंड इट्स हैबिट्स, लाइक हाउ फ्रीक्वेंटली इट इज ट्रांसमिटिंग,
how is it transmitting, is there some new method of transmitting and things like that, and that so that you can take the corrective actions. ठीक है, बट वही है कि WHO ने बोला कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ पेंडेमिक्स एवोल्यूशन. पेंडेमिक में यार आपका जो स्ट्रेन्स बनते ही हैं, ऐसा थोड़ी ना कि भाई वो वायरस है, ब्रो मैं वायरस हूँ, मैं बिल्कुल चेंज नहीं होऊंगा. भाई यहाँ पे रिलेशनशिप में लड़का लड़की को चेंज कर देता है, लड़की लड़के को चेंज कर देता है, ये तो वायरस है. ठीक है ना, सो ये तो भाई इतने समय में आदमी पूरा चेंज हो जाता है. ठीक है ना, सो द आइडिया इज आदमी चेंज हो जाता है, ये वायरस तो होगा ही होगा चेंज, इट्स अ पार्ट ऑफ द नेचुरल प्रोसेस. सो द आइडिया इज दैट योर जिनीवा बेस्ड बॉडी रिपीटेड दैट देर वॉज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू बेसिकली नाउ बी अभी एज ऑफ नाउ पैनिक. सो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, दैट इज द मेन आइडिया है. ठीक ना, ओके नाउ सर यू हैव पॉइंट, बिल्कुल, थैंक यू सो मच. नाउ वी हैव चाइना स्लैम्स यूएस ओवर द टिबेट बिल, साउथ चाइना सी ट्रेसपास. सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है हमारे पास पूरी पूरी. अब बात क्या हो गया है कि व्हाट इज दिस टिबेट? टिबेट क्या है? आई एम श्योर एवरीवन नोस, टिबेट इज द रीजन ऑफ चाइना बॉर्डरिंग इंडिया इन दिस पर्टिकुलर रीजन. आपका यू नो पूरा फ्रॉम योर जम्मू कश्मीर से सॉरी लद्दाख के राइट साइड से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक. ठीक है ना, सो राइट, सो देयरफॉर दिस इज द टिबेट रीजन. एंड टिबेट रीजन हैज हैड अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज वहां के जो ओरिजिनल लोग हैं दे डोंट वॉन्ट टू एसीड टू योर चाइनाज चाइनाज सॉवरिटी नीड्स, राइट? सो बेसिकली दलाई लामा फॉर इंस्टेंस. ठीक है ना, ओके, सो आपका जो दलाई लामा जो हैं वो वहां के तिब्बतन लीडर हैं, एक टाइप से स्पिरिचुअल लीडर हैं. सो तिब्बत हैज बीन अ मेजर बोन ऑफ कंटेंशन फॉर योर चाइना बिकॉज तिब्बतन पीपल वॉन्ट इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना, जबकि चाइना सेज भाई तिब्बत हमारा है. ठीक है, सो अब ये क्या हुआ है कि जो हम लोग देखें आपका यूएस है, वॉशिंगटन जो है, इन्होंने एक टिबेटन बिल इंट्रोड्यूस किया हुआ है वहां पे. सो उसका नाम आप देख सकते हो, दे हैव इनफैक्ट पास द टिबेटन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट दैट कॉल्स फॉर ओपनिंग अ यूएस कॉन्सुलेट इन ल्हासा. ठीक है, एंड अंडरलाइंस दैट यूएसए सपोर्ट दलाई लामा टू डिटरमाइन हिज सक्सेसर. अब ये बहुत खतरनाक है, दिस इज यू नो आग में घी झोंकना. ठीक है ना, ओके, सो आग में घी झोंकना है मतलब क्या है? व्हाट इज दिस ल्हासा? ल्हासा जगह पता होगी आपको, ल्हासा इज अ प्लेस इन तिब्बत. ठीक है, ल्हासा इज अ वेरी फेमस प्लेस इन तिब्बत. ओके, नाउ व्हाट यूएसए हैज डन, यूएसए इज ट्राइंग टू डू द सेम थिंग व्हिच इट हैज ऑलरेडी डन इन व्हिच लोकेशन ऑफ फॉर चाइना. कोई एक और जगह है जहां पे यूएसए पहले कर चुका है, ताइवान. याद है लास्ट 2 मंथ्स में ताइवान में जाकर के यूएस के कुछ सेनेटर्स मिल करके आ गए व्हिच एंगर्ड चाइना बिकॉज चाइना के साथ उनका भी रिलेशनशिप ऐसा ही है थोड़ा बहुत. दो चाइना हैज मोर क्लेम टूवर्ड्स तिब्बत बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया इज ऑल्सो एक्सेप्टेड हिस्टोरिकली द कंट्रोल ऑफ तिब्बत यू नो फ्रॉम चाइना इन टर्म्स ऑफ चाइना, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट यूएसए यही यूज कर रहा है. यूएसए क्या कोशिश कर रहा है कि भाई ये जितनी भी जगह हैं जहाँ पे चाइना के खिलाफ बगावत की बू है, इनसाइड करो, नाम ले लो ताइवान, हांगकांग, समझ रहे हैं ना आप लोग, ये सब वही है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ यूएसए डिप्लोमेसी. हांगकांग की जो आपके प्रॉब्लम थी, अब ताइवान की प्रॉब्लम देख लो आप इधर. अब देखो तीसरा फ्रंट विच इज योर टिबिट. ठीक है ना, सो टिबिट में नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर क्रिएटिंग अ यूएस कॉन्सुलेट इन ल्हासा. इमेजिन, ऑन वन हैंड यूएसए इज विड्रॉइंग इट्स कॉन्सुलेट फ्रॉम वेयर प्लेस लाइक रशिया. रशिया से अपने सारे कॉन्सुलेट उन्हें हटा दिए हैं एंड सिमल्टेनियसली इस्टेब्लिशिंग न्यू. इसका मतलब क्या होगा? विदाउट परमिशन फ्रॉम चाइना. मतलब ये तो वैसी बात हो गई कि भाई तुम जाओ रहने दो, हम तो यहाँ पे आके अपना कॉन्सुलेट खोल डालेंगे. एंड ऑल्सो इट इज ट्राइंग टू बैक दैट दलाई लामा जो है वो अपना सक्सेसर तिब्बत के हेड को चूज कर सकते हैं. सो दे आर ट्राइंग टू साइडलाइन चाइना थ्रू दिस. ठीक है ना, सो यही है. द एक्ट सेट दैट सच डिसीजन शुड बी मेड बाय द अप्रोप्रिएट रिलीजियस अथॉरिटीज दैट इज दलाई लामा विद इन द तिब्बतन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन. ठीक ना, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग.
सो अब चाइना ने यूएस को स्लैम किया कि भाई आपने ये कैसे कर दिया, हाउ डिड यू गेट दिस बिल पास्ड, आपने एक्ट कैसे पास करा दिया एंड आप यू नो हमारी सॉवरनिटी को थ्रेटन कर रहे हो, ठीक है ना? इज दैट डज दैट मेक सेंस ऑल ऑफ यू? सो चाइना इज आस्किंग यूएसए टू स्टॉप मेडलिंग इन आर डोमेस्टिक अफेयर्स, ठीक है ना? एंड इंडिया इज लाइक हाँ, देखो तुमने जो करने की कोशिश करी हमको भी बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। सो यू नो दिस इज जस्ट अ वही, क्या कहते, जो भाई तुम कोशिश कर रहे थे हमारे यहाँ करने की, घुस घुस के लो, वी हैव द बिग बैड बुली विद अस। सो इस समय देयरफॉर इट सीम्स दैट इंडिया यूएस रिलेशनशिप एट दिस पर्टिकुलर जंक्चर एटलीस्ट इज वेरी 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 एसेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी बात ये होती कि जो बाइडन जब आए अब, ठीक है ना? ओके, सो जो बाइडन जो हैं उन्होंने, उनके आने से अब कैसे आगे रिलेशनशिप रहेंगे? सो द थिंग इज देर शुड बी कंटिन्यूटी इन व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 साल से जो आपके इंडिया यूएस के रिलेशनशिप एक अच्छे अच्छे लेवल पे गए हैं, वो कंटिन्यू होना होना चाहिए इन द जो बाइडन एरा एज वेल, ठीक है ना? नेक्स्ट, रशिया बैन्स एंट्री ऑफ ईयू ऑफिशियल्स, ठीक है? सो रशिया सेड ऑन ट्यूजडे दैट इट वॉज हिटिंग सेवरल ईयू ऑफिशियल विद टिट फॉर टैट सैंक्शंस इन अ रिस्पॉन्स टू द पेनल्टीज इम्पोज बाय ईयू ओवर द पॉइजनिंग ऑफ ऑपोजिशन लीडर नेवलनी। ये तो आपको याद है हमने बात की थी, हु इज नेवलनी? नेवलनी कौन है भाई? नेवलनी एक आपके इनके ऑपोजिशन लीडर थे, अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट पुटिन साहब, पुटिन साहब के खिलाफ ये इलेक्शन लड़े थे, ठीक है? और जैसे ही पुटिन साहब फिर वापस पावर में आए तो इनकी डेथ हो गई, इनकी डेथ हो गई। तो अब डेथ जो हुई थी अपेरेंटली हैपेंड विद सम काइंड ऑफ अ केमिकल अटैक अगेंस्ट हिम। सो देयरफॉर देयर हैज बीन एलिगेशंस बाय द यूरोपियन यूनियन लीडर्स दैट ये रशिया ने ही करवाया था। डज दैट मेक सेंस? ठीक है ना? ओके, सो इसी कॉन्टेक्स्ट में रशिया ने अब क्या किया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने कुछ बैन लगाए अगेंस्ट रशिया, रशिया ने बोला कि हम यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल्स को एंटर नहीं करने देंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? चलिए, सो गाइज नाउ वी हैव अ फ्यू एडिटोरियल्स रिमेनिंग, जो हमारा बचा हुआ 10 मिनट है। लेट अस फिनिश दी एडिटोरियल्स, जितने भी हो सके 3 एडिटोरियल्स बचे हैं उनको कंप्लीट करते हैं। पेंडेमिक रिजिलियंस, द पार्लियामेंट्री पैनल्स कॉल फॉर अ न्यू हेल्थ लॉ पोस्ट कोविड-19 इज अ कर्नल फॉर रिफॉर्म। सो अभी आपको याद होगा आपके पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स ने एक पब्लिक हेल्थ एक्ट को प्रपोजल दिया है, ठीक है, टू रिस्पॉन्ड टू दी स्ट्रेस कॉज बाय कोविड-19। ये हमने डिस्कस किया था, डू यू रिमेंबर दैट? आपको याद है हमने डिस्कस किया था ये, ठीक है ना? सो इसमें बेसिकली दे आर ट्राइंग टू, व्हाट वाज द प्रपोजल आपको याद होगा? द प्रपोजल, वन ऑफ द मेजर प्रपोजल इज टू कैप, टू पुट अ कैप ऑन द अमाउंट ऑफ मनी विच कैन बी चार्ज फॉर मेडिकल डिवाइसेस एंड मेडिकल फैसिलिटीज इवन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। याद आ गया? ये वही वाले उसी चीज के लिए है ये पूरा, ठीक है ना? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस, ठीक है ना? वेन द पेंडेमिक अराइव्ड, द नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 डेटा जो आया था उसने दिखाया था दैट फॉर एवरी 1,000 पीपल वी हैव 0.55 गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड्स, ठीक है ना? ओके, द प्रोलॉन्ग्ड अंडर इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से क्या हुआ था, जैसे ही एकदम से पेंडेमिक स्ट्राइक किया वी हैड अ शॉर्टफॉल ऑफ द बेड्स। ये तो आपको याद होगा, ठीक है? एंड हु फेस द बिगेस्ट प्रॉब्लम, द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अर्बन वर्कर्स, राइट? दे फेस द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड, ठीक है? एंड इसी सिचुएशन पे, राइट राइट नाउ इसी सिचुएशन में योर प्रॉफिटेयरिंग जो है ये भी ऑब्जर्व किया गया है। व्हाट इज दिस प्रॉफिटेयरिंग? क्या है ये प्रॉफिटेयरिंग? व्हाट इज योर प्रॉफिटेयरिंग? ठीक है, प्रॉफिटेयरिंग बेसिकली इज योर मुनाफा कमाना, ठीक है ना? सो बेसिकली चार्जिंग एक्स्ट्रा, प्रॉफिटेयरिंग इज बेसिकली चार्जिंग एक्स्ट्रा एट द कॉस्ट ऑफ सच काइंड ऑफ अ सिचुएशन, जब लोगों की एकदम लोग एकदम स्ट्रेस में है, ठीक है ना? सो देयरफॉर दिस इज अ मेजर इशू।
अब बात ये है हमारे अंदर कि डू वी प्रोवाइड अ राइट टू हेल्थ, क्या हम लोग राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करते हैं? डज इंडिया प्रोवाइड राइट टू हेल्थ? द आंसर इज नो, राइट? दो सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस, राइट, सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस वर्डिक्ट्स हैव सेड दैट आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू हेल्थ है, लेकिन हम लोग ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया है सच, समझ रहे हो आप? जैसे राइट टू एजुकेशन को हमने आर्टिकल 21 कैपिटल ए की तरह से इंटीग्रेट किया है, वी डोंट हैव अ राइट टू हेल्थ, देयरफॉर डू वी हैव अ फ्री यू नो फ्री फ्री हेल्थ सर्विस फॉर एवरीवन, जस्ट लाइक वी हैव फ्री हेल्थ सर्विस, फ्री एजुकेशन सर्विस? द आंसर इज नो, हम प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है, आप पढ़ना चाहते हो, तो यू कैन फ्री ऑफ कॉस्ट गो टू दी गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है ना? बट हेयर एजुकेशन हेल्थ में ऐसा नहीं है। सो देयरफॉर इंडिया हैज कमिटेड इटसेल्फ टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बट इट कंटिन्यूज टू नॉट हैव अ राइट टू हेल्थ एंड देयरफॉर डज नॉट प्रोवाइड फुल लीगल एंड जस्टिसेबल राइट अंडर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है ना? बीपीएल्स को है आत्मनिर्भर, वो सॉरी आयुष्मान भारत है, वो सब चीजें हैं, वी प्रोवाइड यू नो फ्री सर्विसेज मेनी अ टाइम्स, बट ये कि यूनिवर्सल नहीं, इट्स नॉट यूनिवर्सल, ठीक है ना? तो फ्री सर्विसेज आर देयर बट यूनिवर्सल नहीं है, दैट इज द मेन आइडिया। ओके, सो कमिटी ने जो ऑब्जर्व किया है, उसने बोला था कि हम लोगों ने आयुष्मान भारत इंप्लीमेंट किया है, बट उसका यूनिवर्सल एप्लीकेबल भी नहीं है, और जितने लोग इंटेंडेड है वहां पे भी पूरी तरह से लोग हम तक नहीं पहुंच पाए। इवन फॉर द बीपीएल फैमिलीज, नॉट एवरी वन इज अंडर द आयुष्मान भारत एज ऑफ नाउ, ठीक है ना? एंड वॉट इज ऑल्सो हैज हैपेंड इज दैट ड्यूरिंग कोविड-19 इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट वेरियस हॉस्पिटल्स हैव रिटर्न बैक द पेशेंट्स, विच इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना? इन दिस कॉन्टेक्स्ट द रिकमेंडेशन इज टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ फॉर फॉर द हेल्थ, ठीक है ना? ओके, सो यही है कि हम चाहते हैं कि आपके जो हेल्थ के लिए एक यूनिवर्सल लॉ है, जैसे इसका नाम यह है पब्लिक हेल्थ एक्ट, ये इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है ना? सो इसमें वही बात है कि यू नो वी शुड हैव राइट बेस्ड हेल्थ, यूनिवर्सल स्टेट प्रोवाइडेड हेल्थ प्रोवाइड होनी चाहिए, एंड इवन द प्राइवेट सेक्टर में अगर होगा तो कैप इट अप, कैप इट अप। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव पुट इन आर, वी ऑलरेडी हैव पुट इन आर टारगेट, ठीक है ना? वी हैव ऑलरेडी पुट दैट इन आर टारगेट, विच इज दैट वी वॉन्ट टू रीच 2.5% ऑफ द GDP एज एन एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर इन हेल्थ, बट अभी तक वो रीच नहीं हुआ है। वॉट इज द प्रेजेंट सिचुएशन, हम लोग का कितना परसेंटेज ऑफ द GDP गोज इन टू द पब्लिक स्पेंडिंग फॉर योर हेल्थ? इट्स 1.8, 1.7, 1.8, ठीक है ना? इट्स 1.7, 1.8, एंड देयरफॉर अभी देयर इज स्टिल अ बिग गैप विच एग्जिस्ट फॉर पब्लिक स्पेंडिंग इन द हेल्थ फैसिलिटीज। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? राइट, सो द मेजर थिंग विच दे आर प्रोवाइडिंग हेयर इज दैट इट इज, लेट मी जस्ट एक्सटेंड द क्लास फॉर 5 मिनट्स मोर, ठीक है? इट इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल योर यू नो प्रोक्योरमेंट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स विच कैन देन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड लीगल रिफॉर्म मस्ट बी प्रोवाइडेड सो दैट वी कैन हैव अ यूनिवर्सल स्टेट प्रोवाइडेड हेल्थ सर्विस विच इज अ राइट बेस्ड नॉन एक्सक्लूजरी फ्रेमवर्क, मतलब यूनिवर्सल हेल्थ चाहे जो हो फ्री फ्री में हम हेल्थ प्रोवाइड करेंगे। आर देर कंट्रीज अब्रॉड विच डू देर डू दिस? यस, राइट, दीज आर प्रोवाइडेड बाय द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, फॉर इंस्टेंस नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड वगैरह जो हैं, दे प्रोवाइड दिस, नेदरलैंड्स वगैरह। द थिंग इज दैट यार वो लोग शाणे बन जाते हैं, अरे हमने प्रोवाइड किया है। तो पहली बात भाई, आपने कितने समय पहले आज़ादी ले ली थी और कितने समय पहले आप एडवांसमेंट कर चुके थे, सारा सारा तेल वेल यूज करके, सारा रिसोर्स यूज करके आप एडवांस बन चुके हो, और है तो चिंदी बन की पॉपुलेशन आपकी, मतलब वो कुछ कुछ हजार, कुछ लाख, कुछ 1-2 करोड़ लोगों के लोगों को करने के लिए आप खुश हो जाते हो कि हमने प्रोवाइड कर दिया है पूरी पूरी पॉपुलेशन को। बट भाई 1.3 बिलियन पॉपुलेशन को प्रोवाइड करके दिखाओ तो बात माने हम, ठीक है ना? अमित, तो इसमें डिबेट है, इट्स अ डिबेट, इनका ये प्रपोजल है दैट यूनिवर्सल हेल्थ जो है इट शुड बी देयर। अब आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, बट यू ऑल इफ यू इवन यू नो डोंट वॉन्ट अ यूनिवर्सल हेल्थ, ऑलवेज बैक इट अप विद द रीजन्स फॉर द सेम, ठीक है ना?
क्योंकि जैसे यूनिवर्सल एजुकेशन है तो देर इज अ वेरी गुड, देर इज अ गुड सजेशन फॉर यूनिवर्सल हेल्थ ऑल्सो, कि सबको हेल्थ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए. ठीक है, द ओनली थिंग इज अब वो पैसा कहां से आएगा, पैसा विल कम फ्रॉम दी योर टैक्स पेयर्स, टैक्स पेयर्स मनी से आएगा. ठीक है ना, राइट. ये है एक्चुअली अमित, बात क्या होती है, मैं आपका सेंटिमेंट समझ रहा हूँ दैट रिच शुड पे फॉर देमसेल्व्स एंड पुअर शुड नॉट. प्रॉब्लम क्या होती है, यहां पे एक्सक्लूजन इंक्लूजन की दिक्कतें आती हैं, राइट. जैसे मैं आपको एक्सक्लूजन इंक्लूजन जब दिक्कत आती है, देयरफॉर इन दो सिचुएशन दिस यूनिवर्सलाइजेशन एक्चुअली हेल्प्स इन नॉट हैविंग एनी पर्सन लेफ्ट बिहाइंड. अबे तुम अमीर हो गरीब हो, आओ यार पढ़ो ढंग से. ठीक है ना, एंड इन दैट रिगार्ड फिर क्या होता है, जो अमीर आदमी है वो वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल फिर चला जाएगा, क्योंकि भाई जब फ्री में आप प्रोवाइड करोगे सब, तो सब लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे. सो ऑटोमेटिकली द मार्केट विल वर्क इन दैट मैनर. जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एजुकेशन फ्री है सो एवरी वन गोज टू योर गवर्नमेंट स्कूल वगैरह, बट अगर किसी को एक्सक्लूसिविटी चाहिए कि भाई हम अलग से पढ़ें, तो वही है, होते हैं प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, वो तो पैसा देकर ही करते हो. तो वैसे ही हो जाएगा सिचुएशन दैट भाई प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ पर रिच लोग जाएंगे, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पुअर लोग जाएंगे. सो ये सिचुएशन फिर बन जाएगी यूनिवर्सलाइजेशन के बाद भी. ठीक है ना, सो दैट इज देयर. अब वो सही है गलत है, आई एम नॉट सेइंग दैट. ठीक है ना, आई एम नॉट सेइंग दैट ये सही है कि गलत है, दिस इज जस्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ दिस इज डन, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है ना, एंड कैपिंग वुड बी अ गुड थिंग इंस्टेड ऑफ दैट, या वो अगेन इट्स अ डिबेट, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाता हूँ. लेट मी मेक अ अनबायस वीडियो अबाउट वेदर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ वुड बी गुड और बैड. ठीक है ना, उसके ऊपर अच्छे से एक अनबायस वीडियो बनाता हूँ प्रोज एंड कॉन्स के साथ. ठीक है, चलिए गाइस आज इतना ही रखते हैं, इट्स 12 o'clock, कपल ऑफ आर्टिकल्स आर रिमेनिंग, डीलिंग द इनएविटेबल ये करेंगे, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट समझेंगे कल, एंड 5 years इन सिंस पैरिस, पैरिस एग्रीमेंट, टू थिंग्स फॉर टुमारो. मजा आया गाइस आज, फील आई, गुड नाइट ऑल ऑफ यू. आज आर्टिकल्स थे अच्छे खासे, सो वी टुक टाइम, राइट.